Welcome to my channel. Press the bell icon so you will know when I'm online. Hello, welcome back to my channel. तो अभी मैं थोड़ा मेरा शक्ल धुली धुली लग रही होगी क्योंकि ये वाला वीडियो, चूँकि वीडियो पहले बनते हैं फिर एडिट होते हैं फिर डलते बाद में, तो बीच में एक गैप आया होगा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं एक दो हफ्ते का, जिसमें मैंने बोला था हाय मैं बीमार हूँ. ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बट तो उस समय मेरी थ्रेडिंग ये बढ़ गई और मैं एकदम जानवर की तरह लग रही हूँ. तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि कैसे इंडियन ब्यूटी पार्लर का सिस्टम है, क्या है, बॉस्टन में आने के बाद कितना पैसा लगता है, क्योंकि जनरली मैं खुद से ऐसे प्लग कर लेती थी. तो ये वाला ब्लॉग मेरी महिला मित्रों के लिए है कि कितना पैसा लगता है. इंडिया में तो हम एकदम से चले जाते हैं अपनी पार्लर वाली दीदी के पास कि कुछ भी कराना हो, बाल सेट कराना हो, कुछ भी कराना हो. तो ये वाला ब्लॉग है कि कैसे यहाँ इंडियन पार्लर वाली दीदी अपना काम चला रही है, कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या होता है. मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ इस बारी, तो सब कुछ उसमें कवर होगा कि आप मुझे एक्चुअली बहुत यहाँ पे हैं बहुत सारे आसपास, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हम डॉर्चेस्टर में रहते हैं, तो वहाँ से जो मैंने समहाउ चूज़ किया या ये बोल सकते हो कि कोविड के चक्कर में कम चीज़ें ओपन हैं, तो वो ही एक ओपन था हेरिटेज करके, वो हिना वगैरह भी लगाते हैं हाथ में. तो अभी मैं यहाँ से टी लेके एक घंटे ट्रैवल करके जाऊँगी, मतलब डिस्टेंस उतना नहीं है लेकिन दो मेट्रो बदलो, देख रहे हो कहाँ पड़ोस में मिल जाते हैं पार्लर वाली दीदी. तो आसपास कहीं होगा पर मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ कि एकदम से पास में कोई है. तो अभी जो मिल रहा है, जो ओपन है इस क्राइसिस में, वहीं पे जाया जाएगा. सो लेट्स सी, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि कितने में क्या क्या है, और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि भैया एक थ्रेडिंग बनवाने के लिए कितना पैसा खर्च किया तुमने. तो लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग. टी से जा रहे हैं और टी आपने पहले वाले ब्लॉग्स में देखी होगी, पुरानी दादी अम्मा है, बट ठीक है काम चल रहा है. स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लो यार. तो ये वाला टी वाला पोर्शन है, पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा पार्क स्ट्रीट, ये मुझे पसंद है क्योंकि फर्स्ट टी है. अब हम कॉलेज कॉर्नर आ गए हैं और ये वाला जो इसका पूरा लुक है ना, बिल्कुल जर्मनी जैसे, बिल्कुल जर्मनी जैसे. तो अभी मैं वॉक करके जाऊंगी जहाँ पे थ्रेडिंग बनती है वहाँ तक. हेलो, तो मेरे हाथ थोड़े लाल हैं, खून से नहीं, मैं चीटोस खा रही थी. तो अभी मैं कॉलेज कॉर्नर आ गई हूँ. तो यहाँ पे यार ये बड़ा सही सा माहौल है, मैंने ना थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बड़ा बड़ा बढ़िया एम्बियंस है. तो यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है और इसके अंदर ये वाला थ्रेडिंग सेंटर है. तो लेट्स सी, देखते हैं कितना पैसा लेते हैं, कैसी थ्रेडिंग बनाते हैं, इंडिया जैसी है या नहीं है, या क्या सीन है. हाँ, तो फाइनली मेरी शक्ल देखने लायक हो गई है और बिल्कुल इंडिया जैसी थ्रेडिंग हुई है मेरे यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा पार्लर कैसा दिख रहा है. मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टाइनी जैसा होगा, जैसा फ्लोरिडा में भाभी का था, एकदम टाइनी चैम्बर के अंदर चले गए और एक बस चेयर रखी और फिर अचानक से अंधेरे में भाभी निकल के आती है, हाय आपी नहीं तुझे थ्रेडिंग बनानी है. तो ऐसा नहीं है, इट्स लाइक प्रॉपर इंडियन पार्लर. सो आई एम फ्लिपिंग द कैमरा एंड आई एम शोइंग यू कि कैसा है. ठीक है, जैसे आप घुसते हो तो उन्होंने पूरा ये एकदम लगा रखा है कि हेरिटेज थ्रेडिंग सैलून. तो मैं बता दूं कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले और ना ही मेरी फ्री में थ्रेडिंग हुई है, बट मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन के लिए बेटर है. देखने में स्पेशियस है, इंडियन जैसा है. फ्लोरिडा में जहाँ मैं थी वहाँ बस एक छोटा सा कमरा था, बस उसी में थ्रेडिंग होती थी, पानी वगैरह अवेलेबल है और पूरा इन्होंने चार्ट लगा रखा है कि कितने का हेयर कट होता है, कितने का थ्रेडिंग है, फेशियल है. थ्रेडिंग $15 का है, फेशियल $65 से शुरू है. बाकी हेयर कलर, वैक्सिंग, प्रोडक्ट भी ये लोग सेल करते हैं और डिपेंड करता है भाई जो जिसको जो लेना है. पर हाँ, ये देख के ना बहुत एकदम पूरा एकदम बड़ा है और रिक्लाइनर चेयर है सबसे पहली बात, तो जो मुझे फ्लोरिडा में, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वो थोड़ी छोटी जगह थी, तो उसको देख के ना बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप कुछ नहीं कराओ लेकिन एटलीस्ट एज अ गर्ल आप थ्रेडिंग तो कराते हो. एंड हेयर कम्स आई, तो पूरा इनका हेयर स्पा वगैरह सब है. सी आई लुक नाइस. तो मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या क्या प्राइस लेते हो आप, और काफ़ी इंडियन महिलाएं हैं आती हैं, तो माहौल भी वैसा ही है कि किसके घर में क्या हो रहा है ना, थोड़ा वो जो पार्लर वाली दीदी थोड़ा गॉसिप देती हैं. सो मैं इनसे अभी गॉसिप कर रही हूँ. और ऊपर पूरा थ्रेडिंग का काम होता है, नीचे ये लोग वैक्सिंग और ये फेशियल वगैरह करते हैं. तो मैं नीचे भी आई थी देखने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा, जैसे जर्मनी वगैरह यूरोप में भी मैं रही तो मुझे कोई इतना बड़ा इंडियन पार्लर नहीं दिखा.
तो उन्होंने पूरा ये वैक्सिंग का सामान बेचते हैं, शहनाज फेशियल वगैरह सब रखते हैं, तो ये वैक्सिंग का है, मसाज का है पूरा इनके पास, और वैसा फेशियल जो गोल्ड और मेटालिक जो भी होते हैं वो सब सब ये करते हैं, हेयर कलर करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, ब्राइडल पूरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडियन लोग हैं, बहुत पुराने टाइम से इंडियन लोग हैं। तो जनरली क्या होता था कि वैसा सेम थ्रेडिंग वाला नहीं मिलता था, थ्रेडिंग और वैक्सिंग जो हम लोगों को इंडियन लोगों को आदत है, तो उसी प्राइस में लाइक $100 तक आपका फेशियल वगैरह सब हो जाता है। फाइनली ऐसे घंटा घंटा ड्राइव करके देन वी वेंट, क्या किया जाए अब, बल्कि जाना तो जाना ही है। एक बात पूछो, फेशियल का आप कितना लेते हैं? मैं वीडियो बना रही हूँ। 65 से स्टार्ट। तो वो फ्रूट वाला जो इंडिया में, हाँ, फ्रूट फेशियल है, हर्बल फेशियल है, शहनाज है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, कितना अच्छा लग रहा है सब सुन के, ऐसा लग रहा है। अरे वाह, तो बहुत सही था यार, मतलब आशा से थोड़ा सा अधिक निकला। कि होता है क्या कि प्राइस तो आप सेम देते हो सब जगह, लेकिन थोड़ा सेटअप होना चाहिए, तो ऐसा लगता है ना कि इंडियन लोग हैं तो कम, कि अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आपको छोटा सा वो सेटअप पार्लर का उतना बड़ा नहीं मिलेगा। बट इट वॉज रियली नाइस, और अच्छा लगा कि हम लोग सब जगह, क्योंकि ये छोटे बिजनेस है ना, ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली हम लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब हैं, लेकिन ये जो है ना, ये छोटे छोटे बिजनेस हैं, तो जब आप छोटे छोटे बिजनेस पे एकदम अपना हाथ जमा लेते हो, जब लगता है कि हाँ आपकी पहुंच है, तो अच्छा पार्लर था। और प्राइस वही, अगर आप $15 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे या जो भी करंट चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप इंडियन करेंसी में करोगे कैलकुलेट, तो यार बहुत महंगा पड़ेगा, आप $100 को करो फिर 70 से, पर ठीक है, यहाँ के हिसाब से यही प्राइस है। सरप्राइज सरप्राइज, तो तुम्हारी बहन ने बाल भी कटा लिए, तो हुआ यूँ कि मैंने बहुत जोड़ा घटाया गुणाकार किया भागाकार किया, मैंने सोचा कि मैं पहले बहुत बाल कटाती थी, मतलब मुझे बहुत हेयर स्टाइल चेंज करने का शौक था, लेकिन पिछले 2 साल से पता नहीं, एक वो होता नहीं कि चलो लंबे बाल रख लो, मुझे तो जब भी स्ट्रेस होता था, पेपर पब्लिश नहीं होता था, जाके बॉय कट बाल करा लेती थी, पर काफ़ी टाइम से मैंने बाल नहीं कटाए थे, और तबीयत खराब होने के बाद, और एक ऐसे मुझे प्रेज मिल रहे, तो फिर अभी तबीयत खराब होने के बाद, और मैं पिछले 1 महीने से घर पे हूँ, मुझे आदत नहीं है घर पे बैठने की, तो मैं ऐसे स्ट्रेस में आ गई, तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, तो मैंने बाल कटवा लिए। तो पहले मैंने थ्रेडिंग कराई, थ्रेडिंग का मैंने आपको सब बात बता दिया है। फ्लोरिडा में थोड़ा सस्ता था क्योंकि सेटअप ऐसा नहीं था, बॉस्टन महंगा है, यहाँ रियल स्टेट महंगा है, तो शॉप का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उस हिसाब से ठीक है थ्रेडिंग $15 और $10 में पर लिप्स। फिर मैंने यहाँ जियोवानी एक इटालियन चाचा को पकड़ा और बाल कटाए, अच्छे लग रहे हैं ना, सो आई एम हैप्पी। दिस इज द रैप अप फॉर दिस वीडियो, आई एम सुपर हैप्पी, फाइनली आई एम फीलिंग माई सेल्फ। थोड़ा तबीयत खराब होने के बाद अभी थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, अब मेरे चेहरे पर ही अनारखा का ग्लो भी आ गया। एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू दुगा दुगा, बाय बाय।